जहां संवेदनशीलताएं हो, जहां त्याग हो, जहां बलिदान हो, जहां एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उस समूह को मैं परिवार का नाम दिया करता हूं। वह परिवार समझा जाता है। परिवार ध्यान रखना, मान्यवर परिवार बिखर रहा है, मकान बन रहा है, परिवारों को संभालने की कला सीखी। आखिर दो भाइयों के बीच ऐसा क्या घट जाता है, ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है, ऐसा क्या बात मन में आ जाती है बड़े होते होते कि एक भाई कहता है ये धंधा तेरा है और एक भाई कहता है ये धंधा मेरा। परिवार बट जाता है, धंधे अलग अलग हो जाते हैं, व्यापार बट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक खून इतना भी बट जाया करता है कि एक दूसरे से बोलना और देखना भी पसंद। ये हालात है हमारे देश के। भाई भाई में झगड़े हैं, बेटे और पिता की नहीं बनती है, और हम धर्म की बड़ी गहरी गहरी बातें किया करते हैं। मान्यवर जिस परिवार में दो भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में चार भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में एक दूसरे के बच्चे ये नहीं बताते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, वह परिवार जिसमें दादा दादी भी साथ रहा करते हैं, एक बात ध्यान रखना, धरती का इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। और जहां भाई भाई से बोलचाल ना हो, जहां देवरानी जिठानी एक दूसरे से देखना पसंद ना करें, माँ बाप के रहते रहते दो भाई अलग हो जाएं, तो इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। नरक है वो परिवार जहां रिश्ते आपस में बात नहीं किया करते हैं। कभी कब्रिस्तान को देखा है? देखना किसी शमशान को, कब्रिस्तान को, वहां एक कब्र में एक कब्र दूसरी कब्र से ज्यादा दूर नहीं होती है। कितने, एक फिट दो फिट दूर होगी। एक मुर्दा लेटा है, उसके बाजू में दूसरा मुर्दा लेटा है, फिर थोड़ा चलो तीसरा मुर्दा लेटा है। हजारों मुर्दे कब्रिस्तान में लेटे होते हैं, लेकिन कभी एक बात ध्यान रखना, ये कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे केवल लेटे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं किया करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखा नहीं करते हैं। तो जिस घर में चार भाई एक दूसरे से बात करने को तैयार ना हो, तो वो घर घर नहीं, मेरी नजरों में कब्रिस्तान हुआ करता है। अरे कब्रिस्तान में तो फिर भी ध्यान रखना, मुर्दा लेटे होते हैं, लेकिन घरों में यदि बोलचाल नहीं है तो आदमी जीती जागती लाशा जीवन जिया करता है, जिंदगी उसकी मुर्दों की तरह हुआ करती है। बोलचाल नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मेरे देश की संस्कृति एक कलात्मक इमारतें नहीं है, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, लाल किला, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। यदि ये मेरे देश की संस्कृति हो जाएगी तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा, लेकिन भारत पत्थरों का देश नहीं, ये संवेदनाओं का देश है, ये दिलों का देश हुआ करता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कौन सा सोना उगलती इस देश की धरती, कौन सा हीरा मोती उगलती है इस देश की धरती? हाँ, इस देश की धरती ने ये कंकड़ पत्थरों के हीरे मोती को महत्व नहीं दिया। मेरे देश की धरती तो ऐसे हीरे उगला करती है, ऐसे मोती उगला करती है, ऐसे जवाहरात इस दुनिया को दिया करती है। जहां एक पिता यदि वचन दे देता है अपनी पत्नी को, तो मेरे देश का हीरा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार कर लिया करता है। एक माँ पिता के वचनों को, ये हीरे हैं, ये कंकड़ पत्थर वाले हीरे मोती नहीं है, ध्यान रखना। असली हीरा वो जो पिता के वचनों की खातिर
14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता। मान्यवर, दशरथ ने वचन दिए थे रानी कैकेयी को। विचार करिए आप, उसकी जगह आज का बेटा होता तो कहता कि आपने अपनी पत्नी को वचन दिया है, उसे मैं क्यों भोगूं, मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों जंगल जाऊं। आप पत्नी के प्रेम में पत्नी को वचन दे गए और बेटा वनवास जाएगा। और वो भी ध्यान रखना, कितना महान हीरे मोती थे वो, जिन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन सा तुमने हमारी सगी माँ को वचन दिया है, अरे सौतेली माँ को वचन दिया है, उसे निभाने हम क्यों जाएंगे, हम क्यों तुम्हारे नहीं कहा। असली हीरे मोती ये हैं हमारे देश के, ध्यान रखिए। चल दिए राम लक्ष्मण वन की ओर बिना कोई प्रश्न किए। मान्यवर, धन दौलत से परिवार नहीं चलता, भाईचारे से परिवार चला करता है, ध्यान रखिए। भाईचारा होना चाहिए हमारे। देखो, ताली बजाना है ढंग से बजाए, नहीं बजाना तो मत बजाओ। अब बजा भी रहे हो, आलस भी आ रहा है, जरा अच्छी बात लगे, दिल को छुए तो बजाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, विचार करना है कैसे कैसे भाई हमारे देश में हुए हैं। ये परिवार यदि चलेगा तो भाईचारे से चलेगा, अनुशासन से परिवार नहीं चलता है। प्रेम अनुशासन से परिवार चला करता है। अनुशासन में भी प्रेम होना चाहिए, डांट में भी प्रेम होना चाहिए, ध्यान रखिए। यदि प्रेम को खत्म कर दिया तो जिंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। अनुशासन में भी प्रेम जोड़ दिया जाए तो अनुशासन अनुशासन नहीं बल्कि प्रेम अनुशासन बनकर के खड़ा हो जाया करता। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि दो भाई अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता से अलग रहोगे, तो एक बात बताओ बारामती वालों, कि तुम पर अंकुश कौन लगाएगा, तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा, तुम्हारी जिंदगी को मर्यादित कौन करेगा। आज बुजुर्ग हैं इसलिए हमारे घर में मान मर्यादाएं, संस्कार और इज्जत बरकरार हुआ करती है, वरना कब की अदब इस दुनिया से गायब हो गई। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जरूर होना चाहिए, अलग होने का प्रयास मत करिए। पहले का वो जमाना था कि हर तरह से कोशिश होती थी कि परिवार टूटने ना पाए। आज का जमाना है कि हर तरह से कोशिश होती है कि हम भी अलग हो जाएं और तुम भी अलग हो जाओ। जोड़ो परिवारों को। एक नारी यदि संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, एक नारी, ध्यान रखना, मुझे क्षमा करना, जब तक इनकी शादी नहीं होती, दो भाई बड़े प्रेम से रहा करते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही देवी आ जाती है, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, परिवार बट जाता है, अलग अलग हो जाया करते हैं। एक बात, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, अगर माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखिए। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। लड़के ने कहा, अगर सभी लड़कियां सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे दें तो देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा, पूरी दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम के दर्शन नहीं होंगे। एक लड़की माँ बाप की चिंता करती है, सास ससुर की नहीं करती। यदि हर बेटी सास ससुर को माता पिता समझने लगे तो हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हर घर स्वर्ग में परिवर्तित। दोनों की जिम्मेदारी, लड़कों की भी जिम्मेदारी है
और लड़कियों की भी घर को स्वर्ग बनाने। एक नारी संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। क्यों टूटता है परिवार? शादी करके आती हैं आप, बहू बनकर आती हैं, परिवार के टूटने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, आप इसे बाहर हो जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, हमको उसने ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया तो बोल दिया, लखनऊ के नवाब के बेटे अभी जाके देखो, जो कभी नवाब बने घूमा करते थे, आज उनके बेटे रिक्शे चला रहे हैं, तांगे चला रहे हैं। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। क्या हुआ? दो बात, ये महिलाएं पर्युषण पर्व आ रहे हैं, 10-10 उपास करेंगी, कुछ महिलाएं 16 कारण के 30-30 उपास कर रही हैं, कुछ 28 के उपास किया करती हैं, 10-10 उपास कर लेती हो आप लोग। आपसे बड़ा निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 उपास में आप भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो, कर लेती हो कि नहीं? भूख प्यास सहन कर लिया तो आपका उपास हो गया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं उपास नहीं होता तो मत करो, अरे दो रोटी खा लो, लेकिन प्रेम की जिंदगी जियो अपने घरों में, नफरत का वातावरण मत। प्यास सहन हो जाती है, लेकिन धर्म घर में दो बात किसी की सहन नहीं हुआ कर। मैं कहूंगा भूख प्यास सहन करने वाला उपास हो या ना हो, परिवार में दो बात सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। किसी दो बात सहन कर लो, किसी ने दो शब्द बोल दिए, सहन कर लो मेरे भाई, यदि सहन कर लिया, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है, सासू ने कुछ कह दिया सहन कर लीजिए, बहू ने कुछ कह दिया सासू सहन कर ले, देवरानी ने कह दिया जिठानी सहन कर ले, इससे बड़ी कोई साधना और इससे बड़ा कोई पर्युषण पर्व जीवन में दोबारा आने वाला नहीं।